नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप आपका स्वागत करता हूँ आईटी टेक्निकल गुरु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की एक नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन से संबंधित ये वीडियो है। आप देख रहे हैं आईटी टेक्निकल गुरु और मैं हूँ जगदीप। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 4, 5, 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे पीआईवी का विस्तृत रूप क्या है? पीआईवी का विस्तृत रूप क्या है? पीक इंटरेस्ट, तो क्या है पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वैल्यू, इनमें से कोई नहीं है। पीक इंट्राटेनिट वोल्टेज, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी, इज द राइट आंसर, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीनर डायोड में पी क्षेत्र की डोपिंग अधिक होती है, एन क्षेत्र की डोपिंग अधिक होती है, पी तथा एन दोनों क्षेत्रों की डोपिंग अधिक होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पी तथा एन दोनों क्षेत्रों की डोपिंग अधिक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, जर्मेनियम का परमाणु भार कितना होता है? ये परमाणु नंबर पूछा गया, भार मत करना, इसको नंबर कर लेना, ठीक है। जर्मेनियम का परमाणु नंबर कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 32 हो जाएगा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाई जा सकती है किसी पदार्थ का परमाणु को मिलाकर, विशेष अशुद्धियां मिलाकर, विभाजन मिलाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष अशुद्धियां, अशुद्ध परमाणुओं को मिलाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, नीचे दी गई स्थितियों में से किसमें आदर्श डायोड ओपन स्विच की तरह काम करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? आदर्श डायोड कब ओपन स्विच की तरह काम करेगा? बेस वाइस में, फॉरवर्ड वाइस में, रिवर्स वाइस में या मीडियम वाइस में? तो राइट क्या हो जाएगा? रिवर्स वाइस में ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, आमतौर पर किस अर्धचालक का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? सल्फर, बैरोन, कार्बन और सिलिकॉन। तो बढ़िया, ये आपको पता है, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन का ही ज़्यादा अपने उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं पंचसंयोजी, त्रिसंयोजी, द्विसंयोजी या चतुर्संयोजी, तो क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, चतुर्संयोजी, ठीक है। तो नौवें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पीएन जंक्शन बर्ताव करता है, किसकी तरह बर्ताव करता है? लिमिट स्विच की तरह, बायडायरेक्शनल स्विच की तरह, कंट्रोल स्विच की तरह, यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह, एक दिशीय स्विच की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपना दसवां क्वेश्चन है आज की वीडियो का, एन टाइप अर्धचालकों को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु उपयोग किया जाता है। अगर एन पदार्थ आपको, एन प्रकार का अर्धचालक तैयार करना है, तो क्या मिलाओगे आप? ऑर्सोनिक मिलाओगे, सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, आप देख रहे हो आईटी टेक्निकल का गुरु का यूट्यूब चैनल, मैं हूं जगदीप। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यारहवां क्वेश्चन, एन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता मुख्यतः किन पे निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, बाह्य दबाव, इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स दोनों पर। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है, ठीक है। बारहवां क्वेश्चन, एन किस्म के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, क्या होते हैं भैया अल्पसंख्यक वाहक? इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो होल्स, होल्स कम पाए जाते हैं एन प्रकार में, इलेक्ट्रॉन्स अधिक पाए जाते हैं। तेरहवां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है वो है, एक अर्धचालक में सहसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, एक अर्धचालक में सहसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कैंडेंस बैंड के ऊर्जा के बराबर होती है, फार्मी स्तर के ऊर्जा के बराबर होती है, बैंड गैप के ऊर्जा के बराबर होती है, 2 EV से अधिक होती है। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल से अपने थ्योरी में पढ़ चुके हैं इनको। अर्धचालक डायोड में जंक्शन के मध्यम तथा जंक्शन के मध्यम तब धारा अधिक होती है जब यह पश्च बाइसित होता है, जब यह अग्र बाइसित होता है, जब यह सप्लाई नहीं होती है और बाइसिंग से कोई संबंध नहीं है। तो क्या होगा अर्धचालक डायोड के जंक्शन में मध्यम तब धारा अधिक होगी? कब धारा अधिक होगी यह बताना है, ठीक है। तो कब होगी? जब ये इसको अग्र बाइसित किया जाएगा, फॉरवर्ड बाइस किया जाएगा, तब होगी। नेक्स्ट पंद्रवा, पी प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स की कमी को डैश कहा जाता है। पी प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स की कमी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है? स्वीकर्ता परमाणु, छेद, ट्राइवोलेट तत्व, अशुद्ध। तो क्या है? छेद यानी कि होल कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। अर्धचालकों का ताप प्रतिरोध गुणांक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, तो स्थिर होता है। तो क्या होता है ताप गुणांक? अर्धचालकों का ऋणात्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्रहवां, जब एक पंचम संयोजी पदार्थ की अशुद्धि शुद्ध
अर्धचालक में मिलाई जाती है तो डैश बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? इंजेटिक अर्धचालक, इंसुलेटर, पी टाइप अर्धचालक या एन टाइप अर्धचालक? क्या मिलाई जा रही है? पंचम, कौन सी मिलाई जा रही है? पंचम संयोजी पदार्थ की मिलाई जाती है, तो क्या बन जाएगा? एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, एक अर्धचालक में धारा का संवहन डैश 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 के कारण होता है, केवल विवर के कारण, केवल स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण, विवर तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तो यहाँ पे विवर कहा गया, होल को कहा गया, ठीक है, होल को विवर भी कहा जाता है, रिक्त भी कहा जाता है, कुछ भी कह सकते हो आप, दो तीन नाम है इसके। तो सी इज़ द राइट आंसर, विवर और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण धारा संवहन होता है। एक फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन का प्रतिरोध डैश 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 क्रम में होता है, फॉरवर्ड बाइस जुड़ा है तो धारा अधिक देगा, तो उसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो ओम्स में ही रह जाएगा, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर, किलो ओम, ओम मेगा ओम या मिली ओम, तो ओम। अगर वो रिवर्स बाइस होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन है, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन में प्रभावित धारा का मान लगभग डैश 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 होता है, रिवर्स बाइस जुड़ा हुआ है तो पीएन धारा का मान कितना होगा? लगभग क्या होगा? आवश्यक परत में बहुत कम होगा, लगभग शून्य होगा, कुछ मिली एम्पियर, कुछ एम्पियर होगा, तो लगभग शून्य होगा, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। तो 21वें क्वेश्चन पे जाने से पहले, आप देख रहे हैं आईटी टेक्निकल गुरु का यूट्यूब चैनल, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्रिस्टल डायोड में डैश 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 होता है, अवश्य परत में बहुत कम, लगभग शून्य धारा, कुल मिली एम्पियर। अच्छा, एक क्रिस्टल डायोड, तो भी इसका ये ऑप्शंस नहीं है, इसके ऑप्शन है कि एक क्रिस्टल डायोड में डैश 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 होता है, क्या होता है, मतलब प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका कुछ ओम प्रतिरोध होता है, ये पूछा गया है, ठीक है, कुछ ओम प्रतिरोध होगा, ये ऑप्शंस पिछले बार उठा लिए। 22वां क्वेश्चन, एन कोटि के अर्धचालक पर आवेश होता है, एन कोटि के अर्धचालकों पर आवेश होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो एन प्रकार में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं, तो आवेश कौन सा होगा? ऋणात्मक इज द राइट आंसर। 23वां क्वेश्चन, पीएन संधि में निम्न की भांति व्यवहार करती है, पीएन संधि निम्न के भांति व्यवहार करती है, ट्रायोड, पेट्रोड, डायोड, प्रतिरोध, तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा डायोड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24वां क्वेश्चन, एक पीएनपी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? होल्स की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के अधिक होती है, केवल इलेक्ट्रॉन्स ही आवेशित कैरियर में होते हैं, केवल होल्स ही आवेशित कैरियर में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स की संख्या से अधिक होती है, तो क्या होगा राइट आंसर? पी में क्या होगा भाई? पी में होल्स की संख्या अधिक होगी, ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होल्स पाए जाते हैं, ये इज द राइट आंसर। 25वां, अशुद्धियों को मिलाने से अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ती है, घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो क्या होगा? घटती है, बी इज द राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन, किसी अर्धचालक को जानबूझकर अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अशुद्धियाँ मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? कुंजन कहते हैं, कंबाइनिंग कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, शटरिंग कहते हैं, तो क्या होगा राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर, डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, डिप्लेशन अवश्य परत पाई जाती है पी प्रकार के अर्धचालकों में, एन प्रकार के अर्धचालकों में, डायोड में और शुद्ध अर्धचालकों में। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है तो फटाफट आंसर दीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। आप देख रहे थे आईटी टेक्निकल गुरु का यूट्यूब चैनल, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय।